नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज हम बात करने वाले हैं कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2018 कब आएगी और उसमें क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे। तो चलिए आज के नया व्लॉग शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट अनीस और आप देख रहे हैं ये आती ऑटोमोबाइल्स। तो सबसे पहले आपको मैं डेट बता देता हूँ। तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2018 मार्च 2018 में आएगी। अब वो डेट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है और तो एक्सपो में दिखाएंगे वो लोग। तो चलिए अब बताते हैं हम आपको कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग आज 76 सब्सक्राइबर्स के फैमिली हो गए और मेरे चैनल में अभी तक 6016 व्यूज आ चुके हैं अभी तक इस वक्त तक। तो इसके लिए शुक्रिया। जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं आपके लिए डेली ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए आज के नया ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। आपको मैं फ़ोटो दिखाते रहूँगा सब फ्रंट का। तो गाड़ी का नोज जिसको बोलते हैं सामने का फ्रंट, उसमें आपको प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स दिए जाएंगे विद DRL। नीचे फॉग लैम्प्स आपको हेलोजन मिलेंगे, उसमें कोई चेंजेस। और गाड़ी का जो जो मतलब इनटेक बाहर से जो हवा लेती है, वो इनटेक जो होता है गाड़ी जिससे इंजन उसका जल्दी कूल डाउन होता है, वो पूरा पहले हाफ ऊपर आता था हाफ नीचे आता था। ऐसा है कि आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, तो वो अब पूरे में आएगा। अब बीच में उसका नंबर प्लेट लगेगा तो सामने यही होगा। और उसमें एक अब क्या हो रहा है कि मारुति अब बहुत बॉक्सी स्टाइल की हो गई थी, तो अब कंपटीशन का युग आ गया है। वैसे ही मारुति ने अपनी दो क्या बोलते हैं दो जनरेशन कर चुकी है, थर्ड जनरेशन आएगी उसकी, तो वही है। अब चलिए गाड़ी के साइड में चलते हैं। तो गाड़ी के साइड में आपको अलॉय व्हील्स और बड़े हो जाएंगे और डायमंड कट या पता नहीं कौन सा कट आएगा, हमको उससे नहीं है हम क्योंकि अभी लॉन्च नहीं है। मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो डायमंड कट एलॉयस आएंगे और 16 या 17 इंच के उसके व्हील्स होंगे। और क्या, हाँ उसके आप पीछे थोड़ा चलिएगा तो आपको मिल जाएंगे, मतलब पहले आपको डोर में मिलते थे ना, अब उसके आपको राइट साइड में ऊपर मिल जाएगा आपको डिग्गी खुलने वाला है, जिससे आपको लगेगा कि मेरी गाड़ी और वाइडर हो गई है। तो आपको लगेगा जब गाड़ी लॉन्च होगी, मैं आपको पिक्चर में दिखाता रहूँगा ये सब। अब चलिए गाड़ी के बैक लुक की बात कर रहे हैं ना। बैक लुक में आप जाइए, जैसे ही जाके देखिएगा तो उसमें क्या होगा। बैक लुक में आपका टेल लैम्प्स, आप जैसे फोटो में देख सकते हैं टेल लैम्प्स छोटी हो गई होंगी उसकी टेल लैम्प्स। और उसमें एक तो ऐसे ऐसे करके DRL मतलब LED बल्ब दिए रहेंगे रेड का, और बगल में रहेगा स्विफ्ट। और आपको मैं एक बार बता देता हूँ, ये नई स्विफ्ट आ रही है इसमें आपका बूट स्पेस भी बढ़ेगा, तो ये आप बात नोट कर लीजिए। उसके बाद आपके लाइट्स बस बूट स्पेस बढ़ जाएगा। अब बात आती है गाड़ी के इंटीरियर्स की। तो आप जैसे ही जानते हैं कि मारुति की स्विफ्ट मतलब उसमें क्या बोलते हैं, अरे कंफर्ट के मामले में नंबर वन रही है, तो वही कंफर्ट आपको अब उससे ज़्यादा मिलेगा और थाई सपोर्ट भी आपको उससे ज़्यादा मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी है। अब हम्प मेन गेयर ट्रांसमिशन का हम्प तो भैया फोटो में आप देख लीजिए। उसके बाद ऑफकोर्स इमेजरी सारी फोटोज गूगल ही से आएंगी, तो हम भैया कहाँ से लाएंगे। और आगे चलते हैं, तो आगे आपको डैशबोर्ड में सामने चलिएगा तो आपको स्टीयरिंग व्हील बिल्कुल जो मारुति स्विफ्ट की डिज़ायर आई है उसकी तरह आपको स्टीयरिंग व्हील करके दिया जाएगा। और बात आती है उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो आपके बेलेनो या डिज़ायर की टॉप ZXI वेरिएंट में, अभी नई वाली की बात कर रहे हैं, उसमें जो आपको टच स्क्रीन दिया हुआ सेम रहेगा मेरे हिसाब से। और आपको कूल ग्लव बॉक्स भी मिल सकता है। अब बात आती है उसमें सेफ्टी क्या करेंगे। तो आप हम आपको एक बार फैक्ट बता दे रहे हैं, अभी आज तक यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं कि इसमें ये फीचर होगा वो फीचर होगा इतने कैमरे निकालेगी, तब एक बार भूल मतलब ये हम आपको बुरा नहीं लगे क्योंकि US में ये लोग जितना फीचर दिए हैं और मतलब किसी भी कंट्री में भी ये गाड़ी चल रही है, इंडिया में उतने फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। मेरी फैक्ट है, जिस दिन लॉन्च होगी उस दिन आप मेरी वीडियो फिर से दो, ये सब बातें निकलेंगी उस गाड़ी में। उसमें आपको दो तीन फीचर्स निकाल दिए जाएंगे, जैसे कि ब्रेक रडार सपोर्ट। ब्रेक रडार सपोर्ट पता है उसका मतलब हुआ कि जैसे आपकी गाड़ी कभी कभी ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पाता है तो गाड़ी खुद ब्रेक लगा लेती है,
उसके बाद बहुत सारे फीचर्स, आपको एक मैंने एग्जांपल ले दिया, तो ये फीचर्स थोड़े निकाल दिए जाएंगे। और हाँ, ये अच्छा होगा कि उसमें एवीएस और ईवीडी मैंडेटरी हो जाएगा, आपको लोएस्ट वेरिएंट से एवीएस और ईवीडी और एयरबैग सब मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बस इतना ही है। तो अब तो कुछ नहीं बचा, प्राइसिंग का बात आई, तो प्राइसिंग अब बुरा नहीं मानिएगा उस चीज़ का, लेकिन हम आपको बता दिए कि उतने जितने फीचर आपको वो दिखा रहे हैं उससे नहीं आएंगे। आप भैया, आप लोग का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा सा गलती हो जाए तो आप लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, बुरा नहीं मानिएगा इस चीज़ का। बस मैं आपको एक आइडिया, हमने कोई गाड़ी थोड़ी देखी हुई है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ उसके बारे में। तो बस प्राइसिंग उतना ही था। अब चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक करिए, दोनों में से कोई एक ज़रूर करिएगा। और वीडियो में हमसे कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके उस चीज़ को बताइए बस। और आपको बहुत पसंद आए तो भैया सब्सक्राइब कर दीजिए बस इतना ही। और आप दो चार बात एक और बोल देता हूँ कि जब जब तक ये वीडियो नहीं आएगी तब तक आपको स्वेटर पहनना है, गाड़ी की लाइट स्लो भी में रखते हैं, और बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट ज़रूर पहनना है। तो चलिए, बाय।